हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी के टीजर की रिएक्शन वीडियो है और मूवी का नेम है यमला पगला दीवाना। पहले हम देखेंगे इस मूवी का टीजर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस टीजर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का टीजर और उस पर मेरा रिएक्शन। इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। ये है यमला वर्मा। जिस उम्र में लोगों को फरिश्ते दिखते हैं, इनको भाई हमें तो परियां नजर आ रही है। इस बंदे ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, यू नो व्हाई। अरे एक वैद्य से अवैध काम क्यों करवा रही हो? ना प्यार, ना पैसा, ना कोई काम। इस दीवाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुनो मोहल्ले वालों, इसका नाम। लोगों के बच्चे घर आते हैं, वो कहते कि मेरा लाल आ गया। उसे कहते थे मेरा काला आ गया, काला। तू नींद पिएगा? अरे पंजाबी है, इतना पानी का दारू देखते ही मुंह में आ जाता है। परमार साहब करते हैं। आप कौन? मैं मस्तान। जबरदस्त। वाओ। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीजर और उस पर मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इस ही मूवी के हवाले से, जो कि आप लोगों ने टीजर देखा। ये अपकमिंग इंडियन बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म है और ये जो है ये सीक्वल है 2013 में जो फिल्म आई थी यमला पगला दीवाना 2 का, और ये है थर्ड इंस्टॉलमेंट यमला पगला दीवाना फिल्म सीरीज की। और हम बात करें आपसे इसी हवाले से, और जो कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है नवीनांत सिंह ने, और इस मूवी को लिखा है धीरज रतन ने और बंटी राठौड़ ने, और इसमें स्टार्टिंग में लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, कृति खेर बंदा और आसरानी और सतीश कौशिक, ये इसकी कास्ट में शामिल है। और इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सनी साउंड पीवीटी एलटीडी और इंटरकट एंटरटेनमेंट एंड पैन इंडिया लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैन इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के टीजर के हवाले से, जो कि सच में इंटरेस्टिंग और कमाल का था, और काफ़ी मतलब टीजर के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवी की वजाहत और एक्सप्लेन कह लें आप किया है, जो कि अच्छा लगा हमें देखने के बाद। और ऊपर से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये टीजर है, ऐसा लग रहा था जैसे हम मूवी का ट्रेलर ही देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी और मतलब प्रॉपर तरीके से मूवी की नुमाया खसूसियात और उसके सारे इंटरेस्टिंग पहलू को उजागर करके वाजे करके बयान किया गया है, जो कि एक पुरकशिश अंदाज में आप कह लें दिखाया गया, जो कि काफ़ी मज़ा आया। और क्या ही कहना है धर्मेंद्र का, सनी देओल, बॉबी देओल, बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड और वर्सेटाइल कास्ट है ये, और बाप बेटे और कमाल के लग रहे हैं। और जो इनका जो जोड़ है तीनों का, तालमेल एकदम से आप कह लें बिंदास और एक औसम धमाकेदार है, जो कि जब पब्लिक देखती है तो मज़ा आता है और एंटरटेनमेंट तो फराम होता ही होता है, बल्कि डबल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है इतने सारे लोग और इन लोग इतने चाहने वाले हैं धर्मेंद्र के, सनी देओल, बॉबी देओल,
तो क्या ही कहना है, मूवी में चार चांद तो ऐसे ही लग जाते हैं, ये तीन लोग हैं लेकिन और बाकी दीगर कास्ट वगैरह शामिल जब होती है हर पार्ट के अंदर तो चार चांद लग जाते हैं। और ये जो पार्ट है ये जो है इसकी कहानी अलग होगी, इनका पिछले पार्ट से ताल्लुक नहीं होगा। और जो कि टीज़र के अंदर काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग पहलू और काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं जो कि देखने के बाद मज़ा आया, जिससे पता चल रहा है इसकी मूवी की जो मतलब कास्ट है वो काफ़ी मतलब उनका तालमेल बहुत अच्छा जम रहा है और केमिस्ट्री आप कह लें एक तरह से, और जो कि मज़ा आएगा इसको देखने के बाद। और इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है जिसमें आपको हर कुछ देखने को मिलेगा, जैसा कि टीज़र के अंदर ही वजाहत करके बता दिया गया है, जो कि बहुत ही मज़ा आया मुझे देखते वक्त और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और जो कि इसमें सॉन्ग भी कमाल के होंगे, एक्टिंग परफॉर्मेंस और सब कुछ दमदार जानदार। और सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र आपको मिल रहे हैं इसमें, जिनके हजारों लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं दुनिया भर में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। और इसके अलावा बाकी दीगर कास्ट भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ओवरऑल आप कह सकते हैं एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज है जो कि आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। और टीज़र के अंदर इन सबको मतलब जो उनको छोटा सा एक पैकेज बनाकर दिखाया गया है तो मज़ा आया इसको देखने के बाद, कमाल ही हो गया, मैजेस्टिक, ऑसम, आउट क्लास। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीज़र और उसके मेरा रिएक्शन, और के बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस टीज़र के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।